हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। और आपको नवरात्रि की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घरों में सुख लाए, समृद्धि लाए, खूब तरक्की उन्नति लेके आए। और जैसे कि सबके घर में नवरात्रि चल रही होगी, मोस्ट ऑफ जो है लोग हैं उन्होंने रखा होगा नवरात्रि का खाना पीना सब। तो मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, साबुदाने का डोसा एंड नारियल की चटनी, जो झटपट से तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। बहुत कम ऑयल में बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको तो पता है मैं ऐसे ऐसे खाना ही बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और झटपट से बन जाए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये साबुदाना है, ये जो मैंने भिगो के रखा हुआ है। सिर्फ 4-5 आवर्स के लिए भिगो दीजिए इसको, ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और ये दही डाल के मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल पेस्ट के जैसे, ठीक है। ये मैंने उस डोसे के साथ ये चटनी बनाऊँगी, क्योंकि डोसे के साथ तो फिर साबुदाना डोसे के साथ तो मूंगफली की चटनी और नारियल की चटनी ही अच्छी लगती है, साउथ इंडियन स्टाइल। तो ये मूंगफली है जो मैंने भुने हुए हैं, और ये कोकोनट का पाउडर है, पीस के कोकोनट को पीस के डालना है। और ये करी पत्ता, ये छोंक लगाऊंगी इसका। और ये है हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी ताकि चटनी थोड़ी सी चटपटी रहे, ठीक है। तो मैं आगे का शुरू करती हूँ। ये कोकोनट चटनी तैयार हो गई। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आपको इसको जितना भी ठीक बनाना है या जैसे भी आपको खाना है, इसमें पानी थोड़ा सा मिक्स करके आप इसको बना सकते हैं। और अब मैं ना इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं अगर तड़का नहीं चाहिए किसी को, पर ये है ना, तड़का लगाने से नहीं थोड़ा और टेस्टी हो जाता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, और तड़के के लिए है करी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा और सरसों, सरसों के दाने। इसे तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा कलर के लिए मैं ये भी डालूंगी थोड़ा सा। तो देखिए अब गर्म हो गया और मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना हरी मिर्च की, और अभी इसका कलर भी मैंने थोड़ा सा देखी मिर्च डाला हुआ है, देखी लाल मिर्च। तो अब तैयार है बिल्कुल तड़के के लिए। लग गया, और देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर सा हो गया है ना, और टेस्टी भी बहुत लगता है ये तड़का लगने के बाद, और इसका डबल हो जाता है टेस्ट। और जिनको बहुत ही ज़्यादा चटपट है चाहिए तो आप इसमें ना एक लेमन भी डाल सकते हैं, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। अब आगे अब डोसा बनाने की देखते हैं। सॉल्ट है ना, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे हमें ज़्यादा सॉल्ट का ज़रूरत तो होता नहीं, बट आप जिस तरह से सॉल्ट खाना पसंद करते हैं उस तरह से उस पर, जब आप चटनी बना रहे हो उस टाइम भी आप सॉल्ट डाल सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ओके। और ये देखिए हमारा ये साबुदाने का पेस्ट भी तैयार हो गया, बैटर, साबुदाना डोसा बैटर। और इसमें मैंने हरी मिर्च, नमक और करी पत्ता थोड़ा सा मिक्स किया है। आप भी इस तरह से जो मर्जी इसमें डाल सकते हैं, या ऐसे प्लेन भी इसको बना सकते हैं हल्का सा सॉल्ट डाल के। अब इसकी तैयारी करते हैं डोसा बनाने की। ये देखिए मैंने ये स्प्रेड कर दिया है नॉन स्टिक में, नॉन स्टिक तवे में, और बहुत आसानी से ये मतलब आप इसको पलट सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपकता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये जब नीचे से पक जाएगा ना तो ये किनारे छोड़ देगा, तो तभी आप इसको पलट लेंगे जब नीचे से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो ऐसे करने से ये आराम से आप इसको उलट भी सकते हो, देख रहे हैं आप इधर उधर। वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, और आपको दूसरी तरफ भी अगर सीखना है तो आप सीख सकते हो इसको। देखा कितना आराम से ये पलट गया, वो बस थोड़ी देर में हमारा साबुदाना डोसा तैयार। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ, मेरा डोसा तैयार है और मैं बिल्कुल खाने के लिए तैयार हूँ। इसमें मैंने ग्रीन चटनी पहले से बना रखी थी, वो भी रखी हुई है। ग्रीन चटनी तो सिर्फ उसकी है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक, ये है नवरात्रि के लिए। और नारियल चटनी और मेरे साबुदाना डोसा। और खाना शुरू करती हूँ, बहुत भूख लग रही है, पूजा भी कर ली है मैंने, तो शुरू करते हैं। सच में बहुत यम्मी है, वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, नवरात्रों में मैं बनाती हुई है, जब फिर से बन जाता है, खाने में भी टेस्टी होता है। तो ओके, आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको, नवरात्रों में भी नहीं ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह के फूड जो है, हेल्दी फूड, झटपट बनने वाले फूड जो मैं खाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो अब के लिए बस करते हैं, और एक बार और आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेरों और रामनवमी की भी ढेरों 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 शुभकामनाएं, ठीक है। जोर से बोलो जय माता की, जय श्री राम।